टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक शेड गाइस, पता नहीं टंग ट्विस्ट क्यों हो जाता है। टॉप 10 न्यूड मैट लिक्विड लिपस्टिक टॉप 10 न्यूड मैट लिक्विड लिपस्टिक गाइस। 2000 years later. Hey guys, what's up? Hope you all are doing great guys. Myself Neelam और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई बेस्ट न्यूड लिपस्टिक कलेक्शन गाइज। इस कलेक्शन में आपको काफ़ी सारे कलर वेरिएशन तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं, सो दैट अगर आप न्यूड लिपस्टिक के दीवाने हो या फिर आपको मैट लिक्विड लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर गाइज, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, इस वाली वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे लिक्विड मैट लिपस्टिक गाइज। अगर आपको बुलेट लिपस्टिक चाहिए गाइज न्यूड शेड्स में तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर भी लेके आऊंगी, बिकॉज मेरे पास लिपस्टिक का काफी बड़ा कलेक्शन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जो फर्स्ट लिपस्टिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है गाइज, और वो है ये मेबलिंग न्यूयॉर्क की सेंसेशनल मैट लिक्विड लिपस्टिक गाइज। और इसमें जो मेरा शेड है गाइज वो है शेड नंबर 06 और काफी अच्छी पैकेजिंग आपको इसकी मिल जाती है गाइज, काफी लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसमें जो शेड है ना गाइज ये काफी काफी ज्यादा अच्छा है। सो अगर आप टीनेजर हो ना तो आपको परफेक्ट सूट करेगा ये वाला शेड गाइज। इसका जो टेक्सचर है गाइज वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके लिप्स को मैट रखता है बट स्मूथ करके रखता है, ड्राई नहीं करता है जरा सा भी आपकी लिप्स को। सो गाइज, आपके साथ में हैंड स्वेचेस तो शेयर कर ही रही हूँ, साथ ही साथ में आपके साथ में लिप स्वेचेस भी शेयर करूंगी ये सारे लिप शेड्स का। एंड लुक एट दिस प्रिटी शेड गाइज, ये शेड जो है वो टीनेजर्स के लिए एकदम बेस्ट शेड है गाइज। एंड आप रेगुलर बेसिस पर या फिर आप कॉलेज गर्ल हो तो भी आप इस शेड को इजिली कैरी कर सकते हो। एंड इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, आपके लिप्स पर लॉन्ग स्टे करता है गाइज, परफेक्ट न्यूड शेड है गाइज टीनेजर के लिए। अगर आप कोई लिपस्टिक चाहते हो इस टाइप की तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ये लिपस्टिक मेरी बहुत स्पेशल वाली लिपस्टिक है गाइज, जब मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता है किसी चीज को लेकर या फिर मुझे किसी स्पेशल मोमेंट के लिए मुझे लिप शेड अप्लाई करना होता है तब मैं इसको यूज करती हूँ। इसके साथ यू नो मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ इस वाले लिपस्टिक के साथ, सो ये लिपस्टिक जो है वो हाईली हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से गाइज। अच्छा, अब मैं जिन लिपस्टिक की बात करूँ ना गाइज, वो लिपस्टिक बहुत अच्छी है, साथ ही साथ गाइज बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। तो यहाँ पर आपसे ब्लू हेवन की हाइपर स्टे लिपस्टिक गाइज, एंड ये भी लिपस्टिक गाइज काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और इनकी सबसे अच्छी बात है गाइज कि आपको थोड़ी सी वॉटरी कंसिस्टेंसी में मिल जाती है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब कुछ लिपस्टिक ऐसी होती है ना गाइज कि जब आप उनको कोट करते हो तो बहुत ज्यादा मोटी मोटी लेयर लगा देती है आपकी लिप्स और फिर वो पपड़ी बन के निकलती है, वो चीज आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। और ये थोड़ी सी वॉटरी कंसिस्टेंसी में है, सो दैट जब आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आपके लिप्स न्यूड और नेचुरल नजर आएंगे, बिल्कुल नेचुरल नजर आएंगे। सो फटाफट मैं आपके साथ इनके शेड और कंसिस्टेंसी की बात कर लेती हूँ। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट शेड है गाइज वो है शेड नंबर 11 और इस शेड का नाम था जिंजर। और ये जो शेड है ना ये काफी ज्यादा यू नो रेयर शेड है जो मुझे हर किसी ब्रांड में नहीं मिलता है गाइज। एंड लुक एट दिस शेड गाइज, ये कुछ इस टाइप का शेड है, यू कैन सी दिस शेड इज अगेन बहुत ज्यादा प्रिटी है गाइज। एंड ब्लू हेवन एक ऐसी ब्रांड है जिसमें आपको अच्छी चीज के साथ में अफोर्डेबल भी मिल जाता है एंड क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। सो ये जो शेड है ना ये अगेन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपका स्किन टोन फेयर है ना तो भी आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से जाने वाला है, और अगर आप डस्की स्किन के हो ना तो बिलीव मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। बहुत रेयर सा कलर है एंड ये परफेक्ट न्यूड शेड है गाइस, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूड शेड है, सो दैट एंड ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, सॉफ्ट रखता है आपके लिप्स को। अभी मैं आपसे बात कर लेती हूँ इसके सेकंड शेड की गाइस। तो इसमें मेरा जो सेकंड शेड है वो है शेड नंबर 12 गाइस, और इस शेड का नेम था आई थिंक कॉफी। और ये जो शेड है गाइस ये बहुत ही डिफरेंट वाला एंड प्रिटी सा कॉफी शेड है गाइस, जो कि रेगुलर बेस के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। एंड ब्लू हेवन के जो ये लिपस्टिक है गाइस ये मैंने सिर्फ 80 रुपए में परचेज किए हैं, बट गाइस ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टे करते हैं। आई थिंक आप
पाँच से छः घंटे इजीली कैरी कर पाओगे इनको, बहुत लॉन्ग स्टे करते हैं एंड इनका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है, आपको लाइक लगेगा ही नहीं कि आपने अपने लिप्स पर कुछ एक्स्ट्रा लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है। काफ़ी डिफरेंट वाला कॉफी शेड है गाइज, यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है गाइज, या आप इसको कॉफी शेड भी बोल सकते हो एंड आप इसको ब्रिक रेड काइंड ऑफ शेड बोल सकते हो गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो दैट गाइज ये है मेरा ब्लू हेवन का शेड नंबर 12 एंड ये है शेड नंबर 11, बोथ शेड आर वेरी 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 पिगमेंटेड एंड प्रिटी गाइज। नेक्स्ट गाइज मेरे पास है पर्पल की ये मिनी लिपस्टिक्स गाइज, और इनमें जो मेरे शेड्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं गाइज। तो ये जो लिपस्टिक है गाइज ये मिनी पैकेजिंग में आपको मिल जाती हैं, बट ये काफ़ी चल जाती हैं, इजीली चल जाती हैं गाइज। एंड इसमें जो मेरा शेड है गाइज वो है शेड नंबर 19 एंड शेड नंबर 20। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ शेड नंबर 19 की गाइज। सो ये भी काफ़ी अच्छा न्यूड शेड है, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाइज वो थोड़ी सी थिक होती है, यू कैन सी इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, बट जो इसका शेड है गाइज ये मेरा पर्सनली फेवरेट वाला शेड है। इनको मैंने पर्पल वेबसाइट से ही परचेस किया था डायरेक्टली गाइज, एंड ये मुझे एक ऑफर के थ्रू मिल गई थी गाइज। तो उस ऑफर में मुझे 3 लिपस्टिक जब मैंने परचेस की थी तो 1 फ्री मिली थी, सो दैट्स वाई गाइज मुझे जो इनकी MRP थी वो कुछ 199 के समथिंग रिसीव हुई थी। सो दैट आई वुड से गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है। एज यू कैन सी गाइज ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत लॉन्ग स्टे करती है, ये आपके घंटे आपके लिप्स पर 10-12 घंटे इजीली स्टे करती है गाइज। सो सीरियसली गाइज दिस लिपस्टिक इज वेरी 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 गुड इन टेक्सचर एंड हाईली हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। एंड ये मिनी लिपस्टिक है पर्पल्स की गाइज, एंड दिस इज़ द शेड नंबर 20 गाइज, और ये शेड भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेड है गाइज। एंड वैसे जितने भी शेड्स मैं शेयर कर रही हूँ गाइज ये टीनेजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, एज वेल एज अगर आप हाउस वाइफ्स हो या फिर न्यूली मैरिड हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो न्यूड शेड होते हैं ना ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। एंड दिस शेड नंबर 20 इज़ माई पर्सनली फेवरेट शेड गाइज, एंड जो पर्पल की ये मिनी लिपस्टिक है ना इनके टेक्स्चर्स बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, ये आपके लिप्स पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे तो करते ही हैं, साथ ही साथ गाइज ये जब निकलती हैं तो बड़े कायदे से निकलती हैं, बहुत स्लोली स्लोली फेड होना स्टार्ट करती हैं। जितने भी शेड मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना गाइज ये सारे शेड टीनेजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल हैं, एंड ये जो 2 शेड है ना इनको तो आप कॉलेज स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये जो 2 शेड है ना गाइज पर्पल के ये पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे शेड है, एंड यू कैन सी गाइज इनकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड अभी है मेरे पास गाइज ये इनसाइड की लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 17, और ये पिंकिश टोन में आपको मिल जाएगी गाइज, बट ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है, इसको आप न्यूड तो नहीं बोल सकते हो गाइज, बट ये जो शेड है ना ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया आज के कलेक्शन में। एंड ये वाली लिपस्टिक भी गाइज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज ये सिर्फ अच्छा कलर ही नहीं है इसका, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है, एंड ये मुझे कुछ 70-80 रुपए की ही मिल गई थी इनसाइड की है, एंड मैंने इसको परचेस किया था अमेजन वेबसाइट से गाइज, एंड काफ़ी अच्छा पार्टी वियर शेड है, और 100% गाइज ट्रांसफर प्रूफ शेड है, लॉन्ग स्टे करता है, इजीली 6-7 घंटे स्टे कर जाएगा आपके लिप्स पर, एंड इसका जो टेक्सचर है ओ माय गॉड टेक्सचर इज सो गुड गाइज। नेक्स्ट लिपस्टिक की अगर मैं आपसे बात करूँ गाइज तो उसको मैंने स्ट्रीट मार्केट से ही परचेस किया था, और वो है मेरी ये पिंक लाइन की लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक गाइज 120 रुपये में आपको मिल जाएगी, और 120 रुपये में ये इतनी बड़ी लिपस्टिक आपको मिल जाएगी गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा होती है अपने आप में, एंड इसका जो शेड है गाइज वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और सबसे अच्छी बात है गाइज कि इसमें स्ट्रीट जैसा कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है गाइज, और पिंक लाइन के जितने भी आइटम्स है गाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे पास तकरीबन 4-5 आइटम्स हैं पिंक लाइन के, और सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यू कैन सी गाइज ये जो शेड है वो मेरे मेबलिन वाले शेड से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, इवन गाइज सिर्फ शेड ही नहीं इनका टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, एंड ये जो लिपस्टिक है गाइज पिंक लाइन की ये मेबलिन वाली लिपस्टिक से ज़्यादा स्टे करती है, एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी पिंक लाइन कंपनी, एंड मेरे पास इसका फेस पाउडर भी है गाइज जिसको मैंने मीशो से परचेस किया था, एंड उसका भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने मेरी मीशो मेकअप हॉल वाली वीडियो देखी है चीपेस्ट मेकअप वाली तो आप वहाँ पर जाके देखना गाइज, इतना A1 क्वालिटी
क्वालिटी का प्रोडक्ट है गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ये लिपस्टिक ना अगर आपको कहीं भी मिलती है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइज, प्लीज़ इसको ज़रूर परचेस कर लेना। एंड इसका सेड ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। लिपस्टिक जो है गाइज वो है हुडा ब्यूटी का ये शेड गाइज, और इसको मैंने रेड एडिशन के कॉम्बो में परचेस किया था जिसमें मुझे 150 में 4 लिपस्टिक मिल गई थी। बट मैं ये वन पीस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बिकॉज गाइज जो 3 लिपस्टिक थे इसके बिसाइड दिस लिपस्टिक गाइज वो सारे के सारे रेड एडिशन में थे, और ये जो एक शेड था गाइज ये काइंड ऑफ न्यूड एंड पिंक शेड में था। सो दैट मैंने इसको इंक्लूड किया है आज के कलेक्शन में गाइज। एंड यू कैन सी इसका जो शेड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है गाइज। एंड अभी तक मैंने आपके साथ में जितने भी शेड शेयर किए हैं गाइज वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा एलिगेंट कलर है गाइज। एंड ये जो हुडा ब्यूटी का लिप शेड है गाइज ये भी काफी लॉन्ग स्टे करता है, 5 से 6 घंटे इजिली स्टे कर जाता है आपके लिप्स पर। और इसकी सबसे अच्छी बात है गाइज कि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, 150 रुपए में 4 का कॉम्बो आपको मिल जाता है। और ये हुडा ब्यूटी गाइज ओरिजिनल वाला हुडा ब्यूटी है, ये ड्यूप नहीं है, यू कैन सी द पैकेजिंग गाइज। ये है मिशियो कलर मेट मिशियो की लिपस्टिक गाइज, और ये मैंने सिर्फ 50 रुपए में परचेज की है। बट इसका जो शेड है गाइज वो काइंड ऑफ ब्रिक रेड शेड है जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, और मुझे ब्रिक शेड जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और यू कैन सी दिस इज द शेड गाइज, सिर्फ 50 रुपए की लिपस्टिक है, यू गाइज कैन बिलीव 50 रुपए में आपको इतना अच्छा लिप शेड मिल जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि 50 रुपए की लिपस्टिक है या फिर स्ट्रेट लिपस्टिक है तो ये अच्छा वर्क नहीं करती है, फिर लॉन्ग स्टे नहीं करती है। सो गाइस ये काफी लॉन्ग स्टे करती है, मैं इसको 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ। एंड अभी मैंने इसी लिपस्टिक को अप्लाई किया है मेरे लिप्स पर, एंड यू कैन सी ये बिल्कुल ही ट्रांसफर प्रूफ है गाइस, काफी ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है। सो गाइज दीज आर माई ऑल 9 लिप शेड, और ये सारे के सारे जो लिप शेड है गाइज वो 100% वाटर प्रूफ है एंड ये ट्रांसफर प्रूफ भी है गाइज। यू कैन सी सारे के सारे लिप शेड जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर प्रूफ है एंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी एंड न्यूड लिप शेड है गाइज, जो कि आप अगर टीनेजर भी हो तो आप इजिली इनको परचेज कर सकते हो गाइज, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सो गाइज सारे के सारे लिप शेड बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड हैं, और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, क्योंकि मैंने आपको हैंड स्वेचेस के साथ में लिप स्वेचेस भी दिखाए हैं वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइज तो मेरी वीडियो को अभी लाइक कर लीजिएगा, और हाँ अगर आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रहा है गाइज तो इस मेकअप लुक को आप चेकआउट कर सकते हो, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस लुक को मैंने क्रिएट किया था नायका चीपेस्ट मेकअप के साथ में गाइज, जिनको कि मैंने नायका पिंक हॉट पिंक सेल से परचेस किया था। सो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए थे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।